ओके स्टूडेंट, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तब निकाला जाएगा जब थ्री नंबर्स हमारे एपी में होंगे। मान लीजिए ए बी सी एपी में है तो कॉमन डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस में सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो जो फिक्स डिजिट आए वही थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करने पे आए। मीन्स बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए आपका। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, इस माइनस बी को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करें तो बी प्लस बी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 2b आ जाती है। ए को राइट साइड ट्रांसपोज करें तो ए प्लस सी हो जाता है। फिर 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस सी बाई 2। यानी अगर आपको कोई दो डिजिट दी हैं, इनके बीच में एक आपको अर्थमेटिक मीन डालना है, तो उन दोनों डिजिट को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। और आपको एक से ज़्यादा ढेर सारे अर्थमेटिक मीन्स डालने हैं, जैसे दो डिजिट आपके पास है मान लीजिए, इनके बीच में ढेर सारे अर्थमेटिक मीन डालने हैं, एक नहीं डालना है। मान लीजिए हमें A1, A2, A3 से लेकर के AN तक बहुत ढेर सारे n अर्थमेटिक मीन्स डालने हैं, किसके बीच में? A और B के बीच में। तो A हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, B हो गया लास्ट टर्म। इसके बीच में हमने डाले हैं अर्थमेटिक मीन कितने? A1, A2, A3 से लेकर AN तक, यानी n अर्थमेटिक मीन डाल दिए। तो अब इस सीरीज में कितने टर्म हो गए आपके? एन टर्म तो यही हो गए, प्लस 1 प्लस 2, यानी एन प्लस 2 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए अब? एन प्लस 2। तो लास्ट टर्म क्या है? बी है। बी कौन सा टर्म होगा? एन प्लस 2 टर्म हो जाएगा, यानी एन प्लस 2 टर्म हो गया बी। फार्मूला लगा दें, एन प्लस 2 टर्म का मतलब क्या हुआ? ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। जैसे एन टर्म होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन प्लस 2 टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है? बी है। सॉल्व करते हैं, ए को हम राइट साइड लेके आए तो बी माइनस ए हो जाएगा, एन प्लस 1 को राइट साइड लाए अपॉन में हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई, यानी कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म हमें मालूम है। अब ए वन क्या है? आप देख रहे हैं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होता है सीरीज में? ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे आएगा, डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, यही वैल्यू पुट कर देंगे, हमें ए वन की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा अर्थमेटिक मीन क्या है? ए टू है। ए टू इस सीरीज में क्या है? एक दो तीन, तीसरा टर्म है, थर्ड टर्म है। और थर्ड टर्म क्या होता है? थर्ड टर्म आपका होता है ए प्लस 2d, ये आप जानते हैं। तो ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस 2d। जैसे ए वन आया था ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड किया आप ए प्लस 2d, यानी ए प्लस 2 और डी की वैल्यू आई है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। अब एन की वैल्यू अगर मालूम है, ए और बी मालूम है, वैल्यू पुट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, तो आपको ए वन ए टू ए थ्री ऐसे मिलते हुए चले जाएंगे।